हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में इन जनरल सभी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो है ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन और रोटेशन का। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्योर रोलिंग केस, यानी कि आपके साइकिल का टायर ऑन रोड है, वो स्लिप नहीं कर रहा, वो स्किड नहीं कर रहा है, ऑन रोड है, उस केस को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कोई स्किडिंग नहीं हो रही। तो इन प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने के लिए आपके दोनों पार्ट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ये दोनों पार्ट आपके पहले अच्छे से तैयार किए हुए हो, और थॉट प्रोसेस यानी कि सोच आपने ये रखनी है कि इन दोनों मोशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा बन जाता है प्योर रोलिंग मोशन। और बाकी हमने पहले सीखा हुआ है कि ट्रांसलेशनल में नेट फोर्स एम ए, लीनियर मोमेंट एम वी, ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी तरह हमको ये भी मालूम है कि रोटेशनल में जो कॉज ऑफ मोशन है वो है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा आर एम वी, या रोटेशनल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर कोई बॉडी प्योरली रोल कर रही होगी तो उसमें क्या होगा, ये दोनों मोशन होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन रफ सरफेस, अब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ये वी से आगे भी बढ़ रहा है और ओमेगा से घूम रही रहा है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शर्त याद रखोगे, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग v इक्वल्स टू r ओमेगा एंड लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r अल्फा। ये दोनों प्योर रोलिंग मोशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली डिजाइन करना है और लास्ट में कंबाइन कर देना है इन दोनों मोशंस को किसी भी बॉडी के लिए। जैसे इसमें देखें सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन रफ सरफेस और हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ये किसके कारण, रोटेशन के कारण, और ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसके सेंटर ऑफ मास की, वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो mv into perpendicular distance r। तो ये एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये प्रायोरली रोटेट करता है, इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बोलते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम mvr और इसके कारण r ओमेगा। तो सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया हमको मालूम है 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा प्लस एमवीआर। अब जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर मैं आर ओमेगा की जगह वी सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा 2/5 एम आर ओमेगा मीन वी आर प्लस एमवीआर, यानी कि 7/5 एमवीआर। और अगर मैं रोटेशनल एनर्जी निकालनी हो तो रोटेशनल एनर्जी यानी कि हमें बोलना हो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक मीन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, लेकिन यहां मोशन है दो, तो एक ट्रांसलेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल एनर्जी पार्ट, दोनों को कंबाइन करें हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अगेन आर ओमेगा इक्वल्स टू वी एम वी स्क्वायर बाई 5 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमको 7/10 एम वी स्क्वायर। तो कोई भी रोलिंग बॉडी के लिए अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या सोचना है कि इसमें दो पार्ट है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और प्योर रोलिंग में दोनों को रिलेटेड होते हैं बाय वी आर ओमेगा इक्वल्स टू आर ओमेगा इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा
एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से हमारे नीट एग्जाम में या जी में ये भी पूछा जा सकता है कि इन पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए भी थॉट प्रोसेस सेम होगी, यानी कि आप ट्रांसलेशनल पार्ट को अलग से सोचेंगे और रोटेशनल पार्ट को अलग से, और फिर उसके बाद दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे अगर हमें डिफाइन करनी हो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो अभी मैंने क्या बोला, ट्रांसलेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट दोनों को ऐड करना है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लिए ऐड करना है। और हमें यह भी मालूम है कि v इक्वल्स टू r ओमेगा, किस केस में, प्योर रोलिंग में, a इक्वल्स टू r अल्फा। तो यहां पे देखें, जब ये व्हील रोटेट करेगा तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी ऐसी है, और एंगुलर वेलोसिटी एट द पॉइंट वो भी ऐसे ही है, तो दोनों वेक्टर ऐड होकर के क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर्स देखें तो v भी इस डायरेक्शन में, r ओमेगा भी इस डायरेक्शन में, तो v प्लस r ओमेगा, लेकिन r ओमेगा अगेन v, तो v प्लस v टू v फॉर पॉइंट v। तो अब यहां पे देखें, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल r ओमेगा इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड v है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो बाय वेक्टर एडिशन कितना आएगा, ये रूट टू वी, और इसका जो इस समय जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में। इसी तरह फॉर पॉइंट c, अब यहां पर पॉइंट c पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इधर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये रोटेट ऐसे कर रहा है तो r ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, v के, तो फॉर पॉइंट c नेट वेलोसिटी जीरो। तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और इस कारण से सरफेसेस के बीच में कोई रबिंग नहीं होती, और रबिंग नहीं होने से फ्रिक्शन के कारण कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, सो नो लॉस ऑफ एनर्जी। ड्यू टू फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में सरफेस में फ्रिक्शन अवेलेबल है, इवन दैट उसके कारण कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, तो ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी पे जो रोटेशनल पे और प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम अपलोड करेंगे, और गुड लक एंड थैंक यू।